जय हिंद दोस्तों। रक्षा पहले शिक्षा बाद में, अच्छी फिलॉसफी है। क्या है ये शब्द? आज की वीडियो में इन्हीं शब्दों के ऊपर बात करेंगे, तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। आए दिनों में कोरोना का एक भयानक रूप जो कि भारत में देखने को मिला है, आए दिनों में हर नागरिक परेशान है। भूख को लेकर, पैसे को लेकर, हर तरह से उसको सुप्रेस किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं। देश का वो गरीब नागरिक जाए तो जाए कहाँ? बिहार जैसे राज्यों में परिस्थितियां पहले ही चली हुई हैं चुनाव को लेकर, जो कि अक्टूबर और नवंबर में फिक्स कर दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये भी देखने को मिला है कि बिहार जैसे राज्यों में कोई भी डाटा रिवील किया नहीं जा रहा है कोरोना से रिलेटेड, कितनी डेथ हुई हैं, कितनी महामारी वहाँ पे हुई है। और जिला दर जिला में विधायकों द्वारा, सिस्टम द्वारा परिस्थितियाँ नॉर्मल ही बताई जा रही हैं। अब परिस्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। हर वो नागरिक कोरोना के प्रति, सत्ता के प्रति आवाज़ उठा रहा है जो कि इस बीमारी से जूझ रहा है। कुछ समय पहले इस तरह की स्थितियाँ मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी उठी थी। पार्लियामेंट हर रोज बैठाई जा रही थी, परंतु मध्य प्रदेश में सरकार कभी तो गिराई जा रही थी तो कभी बनाई जा रही थी, इससे पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देश के भीतर जो भी घटनाक्रम चला हुआ है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत जैसे देश में यह परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक परिस्थितियाँ हैं जो कि देश को शायद बहुत नीचे ले जा सकती हैं। परिस्थितियों के घटनाक्रम को जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि देश के भीतर की हालत बहुत ही नाजुक और बहुत ही दयनीय स्थिति है जो कि आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरह की परिस्थितियों ने भारत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया हुआ है। 19 जुलाई 1961 भारत के 14 बड़े प्राइवेट बैंक जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था, उस समय 8,200 शाखाएं थी जो अब 2020 में 1,56,349 हो गई हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छा है। परिस्थितियां डामाडोल होती हैं 1991 के बाद। 1961 में जो भारत में सेक्टर लैंडिंग थी जो 0% थी, परंतु अब वो 40% हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। भारत के बैंकों में 1969 में जो डिपॉजिट था वो लगभग 5,000 करोड़ के करीब था, जो कि 2020 में 138.50 लाख करोड़ डिपॉजिट है, जो कि एक अच्छा संकेत है भारत के बैंकों के लिए। परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां डामाडोल होती हुई नज़र आई। 5,000 करोड़ में से जो कर्ज की राशि थी वो लगभग 3,500 करोड़ थी। 1969 से लेकर 1991 तक जो भी कर्ज भारत के बैंकों ने लैंड किया हुआ था वो भारत के बैंकों में 1991 तक वापस आ चुका था। 1991 के बाद जो भी गंभीर परिवर्तन भारत में देखने को मिले उसने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। 1991 के बाद जो भारत के बैंकों में राशि जमा थी वो लगभग 138.50 लाख करोड़ थी, और जिसमें से लोन की राशि 101 लाख करोड़ थी। आज से लगभग 2 साल पहले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उसने 17 बैंकों के डिफ़ॉल्टरों के नाम घोषित किए गए थे जिन्होंने पैसा लौटाने से मना कर दिया था, और कुछ तो भाग गए थे। उन डिफ़ॉल्टरों की संख्या 2,476 थी जिनके ऊपर लोन की राशि 1,47,000 करोड़ थी। हर बैंक का एक अपना ही डाटा है, जैसे SBI का 685 डिफ़ॉल्टर थे, पंजाब नेशनल बैंक के 325 पीपल थे। इसी तरह हर बैंक से कुछ संख्याएं शामिल थी। 2 बैंक ऐसे हैं, पंजाब और सिंधी बैंक, जिसमें से केवल 6 डिफ़ॉल्टर थे, परंतु उन 6 डिफ़ॉल्टरों के ऊपर लगभग 255 करोड़ की राशि थी। अगर एवरेज किया जाए तो 42.5 करोड़ एन एवरेज। वो बात अलग है कि हर एक ने अलग लोन लिया था। लोगों के ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई
क्योंकि ये लोग सत्ता से जुड़े हुए थे। ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी, इसीलिए बैंकों ने इनकी संपत्ति को छुआ तक नहीं। 33 नाम ऐसे हैं जो कि टॉप मोस्ट लिस्ट में हैं, जिसमें से 32,737 करोड़ रुपए लोन है, ऑन एन एवरेज 992 करोड़ रुपीज़ पर पर्सन। इन नामों में से कुछ नाम इस प्रकार: नीरव मोदी, विजय मारल्या, रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, विंसन डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड, नितिन चैतन्य एंड दीप्ति समसेरा। ये कुछ नाम इस प्रकार हैं जिन्होंने बैंकों से लोन तो लिया है परंतु उसको वापस नहीं किया है। कुछ तो विदेशों में चले गए हैं, कुछ का पता नहीं है, कुछ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस पूरे डाटा से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भारत में बैंकों की स्थिति किस प्रकार की है। भारत के HRD मिनिस्टर ने कुछ लाइनें कही थी, रक्षा पहले शिक्षा बाद में। बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है। ये चंद लाइनें उन सब भारतवासियों के लिए हैं जो कि अपनी आवाज़ तो उठाते हैं परंतु उनकी आवाज़ को पैरों तले कुचल दिया जाता है। भारत में कुछ राज्यों की परिस्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति है परंतु संभाले हुए हैं। पन्नों के क्रम को क्रमवार खोला जाए तो एक पन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। 2013 से 14 के बीच में जब BJP सरकार पावर में नहीं थी तो उस समय भारत में टोटल हॉस्पिटल की संख्या 35,416 थी और टोटल बेड की संख्या 6,28,700 बेड थे। 2014 से 2020 के बीच में देखा जाए तो हॉस्पिटल की संख्या 37,725 हो गई है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है परंतु जिसमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। 2014 से लेकर 2020 के बीच में क्या सरकार ने एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला है? दूसरी ओर एजुकेशन को देखा जाए तो 2013 से 14 के बीच में जब BJP सरकार सत्ता में नहीं थी, उस समय भारत में 760 यूनिवर्सिटी थी। उन 760 यूनिवर्सिटी में हर प्रकार की यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, ऑल टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग। उसमें भी सरकार ने स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, जिसमें 43 से 47 संख्या कर दी हुई है। 2013 से 14 के बीच में देखा जाए तो भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 181 थी, जो कि 2020 तक आते आते 282 हो गए, जिसमें केवल 100 यूनिवर्सिटीज़ केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इजाफा हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं की गई। काफ़ी लोगों के मन में ये भी ख्याल आने लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ने सड़कों के ऊपर काम किया हुआ है परंतु वो पैसा भी हमसे ही वसूला गया है। 2018-19 की रिपोर्ट देखी जाए तो सेस के नाम के ऊपर लगभग 1,18,000 करोड़ रुपया जो कि लिया गया था और 19-20 में 1,27,000 करोड़ रुपया सेस के नाम पर लिया हुआ था। इस पूरे पैसे का यूज सड़कों को बनाने के लिए भी नहीं किया हुआ था। क्या बचे हुए पैसे का यूज भी जेबों को भरने के लिए किया जा रहा है? पेट्रोल और डीजल के दामों में जब बढ़ोतरी हुई तो उसमें भी सेस के नाम पर पैसे को इंक्लूड किया गया था। भारत में इस तरह की परिस्थिति 1991 के बाद बनी, जब भारत में कास्टिंग सिस्टम को लेकर आवाज़ उठाई गई, मंडल कमीशन बनाया गया, अयोध्या राम मंदिर के बारे में बातें चली। उसी दिन से सत्ता में पावर का स्तर बढ़ता ही गया। 1980 के अंत के दशक तक देखा जाए तो भारत और चाइना की GDP में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। भारत एक मजबूत स्थिति में था परंतु 2020 तक आते आते भारत की GDP लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर हुए, जबकि चाइना की GDP भारत की GDP की 6 गुना ज़्यादा है, 13 ट्रिलियन डॉलर। 2019 की एक एनालिसिस रिपोर्ट देखी जाए तो भारत में पर पर्सन की आय 1,35,000 है, जबकि चाइना में पर पर्सन की आय
3,28,000 है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत और चाइना की कर्ज की स्थिति देखी जाए तो चाइना काफ़ी बेहतर स्थिति में है। चाइना ने 2019 तक 15,200 करोड़ का सिर्फ लोन लिया हुआ था, जबकि 2019 में इंडिया का लोन 40.18 लाख करोड़ था। स्पेंडिंग कंपैरिजन देखा जाए भारत और चाइना के बीच में तो चाइना ने 7,48,000 करोड़ रुपया हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है और भारत ने 69,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरह एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो इंडिया ने 38,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और दूसरी ओर चाइना ने 99,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना में एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ का आम व्यक्ति हो या पॉलिटिशियन हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी को हॉस्पिटल में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पॉलिटिशियन की सैलरी से ज़्यादा उसके अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देश में यह स्थिति आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1991 से लेकर 2014 के बीच में जो पॉलिटिशियंस का ग्रोथ रेट था वो लगभग 350% था, जो कि 2014 से 2020 के बीच में लगभग 500% से ज़्यादा हो गया है, जबकि आम जनता का ग्रोथ रेट लगभग 7% है। भारत में जो प्राइमरी स्कूलों की संख्या है वो लगभग 8.5 लाख है, जो कि हाई स्कूलों की संख्या है वो लगभग 4 लाख है और जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या है उनकी लगभग 1 लाख है और इस तरह यूनिवर्सिटीज़ की संख्या और भी कम है। कोरोना के पैंडेमिक में लगभग 1,000 से ज़्यादा के करीब डेथ रेट हो चुका है और स्थितियाँ और भी नाजुक होती जा रही हैं, परंतु गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यूरोप जैसे देश में परिस्थितियाँ और भी अच्छी हो चुकी हैं, आने वाले समय में फ्लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। समझ जाओ ये देश आपका है। जय हिंद, जय भारत।